तो चार की सीरीज में जिनका जन्म होता है, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख, तो 31 तारीख वालों का जीवन कैसा होता है? होते तो चार वाले ही हैं, लेकिन 31 में चार का कैसा प्रभाव होता है? देखिए, जो 31 का अंक है ये ज्ञान, बुद्धि और अहंकार का अंक है। इन्हें लगता है कि मैं सब कर लूंगा, हालांकि सब करने की लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती इनके पास। बुद्धिमान बहुत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर काम बुद्धि से नहीं होता। कहीं कहीं पर ताकत भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, वो इनके अंदर नहीं आ पाती। 31 वाले जो लोग होते हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या में, सलाहकारिता में और कानून के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। और सामान्यतः 31 वालों को धन का अभाव कभी नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि जो परिवार की विरासत होती है, परिवार की जो परंपरा होती है, उसको आगे बढ़ाते हैं। पिताजी वकील थे, ये भी वकील बन जाते हैं। पिताजी ने स्कूल बनाया था, स्कूल को संभालने लगते हैं। यानी आम तौर पर जो परिवार की लिगेसी है, जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये जीवन में ज्यादा बुद्धि की वजह से मारे जाते हैं। हर जगह ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, ज्यादा बुद्धिमानी भी कभी कभी नुकसान करती है। अति बुद्धिमानी की वजह से ये हारते हैं, अगर बैलेंस रहे तो मुश्किल नहीं होगी। अक्सर जीवन में बड़े निर्णय आगे बढ़कर के गलत ले लेते हैं और वो इनकी असफलता का कारण बन जाते हैं। ये बात सही है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप ही केवल बुद्धिमान हैं ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब आप बड़े निर्णय लें, चार लोगों से पूछें, सलाह लें, आराम से निर्णय लें तो बेहतर होगा। 31 तारीख वालों को, 31 वालों को जीवन के निर्णयों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए और केवल अपने आप को बुद्धिमान समझ करके जीवन में काम करने से बचना चाहिए। तो अगर आपका जन्म 31 को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को थोड़ा डाउन रखिए, थोड़ा बैक फुट पे रखिए, तो आप जीवन में सफल होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।